लेसन 9 एंटरिंग ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर में भी हम ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे बिजी में आप एक्सपेंसेस एंटर कर सकते हैं। बेसिकली एक बिजनेस में कंपनी में कई तरह के एक्सपेंस या फिर हम कहें खर्चे होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस चार्जेस हैं, कोई कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ग्रॉसरी एक्सपेंस है या फिर फ्रेट के चार्जेस हैं, फिक्स्ड एसेट्स पे आपने कुछ खर्चा किया है, तो ये सारे ही एक्सपेंसेस बिजी में आप जर्नल पेमेंट या परचेज वाउचर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। तो हम यही सब डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंटरिंग रजिस्टर्ड बी टू बी एक्सपेंस। रजिस्टर्ड बी टू बी एक्सपेंस वो होते हैं जो आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से इंकर किए होते हैं एंड आपकी कंपनी का नेम और GSTIN उस इनवॉइस पे प्रिंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस ली है तो इंश्योरेंस चार्जेस जो आप पे कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड कंपनी होगी उनको पे कर रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंस आपके रजिस्टर्ड बी टू बी एक्सपेंस के अंडर आएंगे। इन एक्सपेंस को आप कैसे एंटर करेंगे, हमने पहले भी बताया, पेमेंट जर्नल परचेज वाउचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक जर्नल वाउचर एंटर कर रहे हैं कि जर्नल वाउचर के थ्रू आप कैसे एक्सपेंस एंटर कर सकते हैं। वाउचर की सीरीज बताई, डेट बताई, यहाँ पे GST नेचर हमने लिया है रजिस्टर्ड बी टू बी एक्सपेंस, एंड देन फर्स्ट हमने गोडाउन इंश्योरेंस एक्सपेंस लिया। गोडाउन इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट को यदि हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो इसमें GST टाइप है, GST एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी हमने सर्विसेज 18% ली है, ITC एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज, तो ये सारे डिटेल्स इस अकाउंट के साथ स्पेसिफाइड हैं। ये एक इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है जिसपे की GST एट द रेट ऑफ 18% चार्ज होगा। तो गोडाउन इंश्योरेंस हमने यहाँ पे इसका अमाउंट बताया, देन हमने CGST इनपुट अकाउंट को डेबिट किया एंड SGST इनपुट अकाउंट को डेबिट किया, यानी कि जितना भी हमारा टैक्स का इनपुट है। उसके बाद बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया। सेव बटन प्रेस करते ही एक रजिस्टर्ड एक्सपेंस विंडो अपीयर हुई, जिसमें GST रिपोर्ट बेसिस आप बताएंगे कि एज पर पार्टी मास्टर या एज स्पेसिफाइड बिलो, यानी कि पार्टी में जो डिटेल्स बताई गई है वहां से पिक करनी है, एज स्पेसिफाइड बिलो यहाँ पे आप वो डिटेल्स बताना चाहेंगे, पार्टी का नाम, स्टेट, GSTIN, टाइप ऑफ डीलर, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ स्पेसिफाई करेंगे तो रिपोर्ट में यहीं से प्रिंट होंगी। लेकिन यदि आप एज पर पार्टी मास्टर कहते हैं तो जो भी पार्टी यहाँ हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो भी डिटेल्स अकाउंट मास्टर में स्पेसिफाइड है वो प्रिंट होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे अकाउंट का नेम बताया, परचेज इनवॉइस नंबर, बिल डेट, HSN SSC कोड, यूनिट एप्लीकेबल नहीं है, टैक्सेबल अमाउंट कितना था, उस पे GST परसेंटेज कितना है, CGST एंड SGST का अमाउंट कितना है, एंड ITC एलिजिबिलिटी। ITC एलिजिबिलिटी आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट सर्विसेज, यानी कि इनपुट सर्विसेज कैटेगरी के अंडर इस पे जो भी आपने इस एक्सपेंस पे टैक्स पे किया है, जितना भी आपका इनपुट टैक्स है वो इस हेड के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये है हमारा रजिस्टर्ड बी टू बी एक्सपेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटरिंग टैक्स पेड बी टू सी एक्सपेंस। अब टैक्स पेड बी टू सी एक्सपेंस क्या होते हैं, ये वह एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से ही इनकर किए होते हैं, लेकिन जो इनवॉइस आपको मिलता है उस पर आपके कंपनी का नेम या GSTIN प्रिंट नहीं होता। जैसे आपने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से गुड्स परचेज करे हैं, रजिस्टर्ड डीलर है वो पार्टी, लेकिन जो आपको बिल आपको मिला, इनवॉइस मिला, उस पर आपकी पार्टी का नेम या इनवॉइस नंबर नहीं था, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट में गए वो रजिस्टर्ड है लेकिन रेस्टोरेंट से जो बिल मिलता है उस पर आपकी कंपनी का नेम या GSTIN कहीं भी प्रिंटेड नहीं होता, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को टैक्स पेड बी टू सी एक्सपेंस कहा जाता है। यहाँ पे हम एक पेमेंट वाउचर के थ्रू इसकी एंट्री शो कर रहे हैं। वाउचर सीरीज बताई, डेट बताई, यहाँ पे GST नेचर हमने लिया है टैक्स पेड बी टू सी एक्सपेंस। ग्रॉसरीज का एक्सपेंस हमने यहाँ पे डेबिट किया है, ग्रॉसरीज, कॉफी, टी, ये हमारा अकाउंट है जिसपे की GST एप्लीकेबल है, टैक्स कैटेगरी GST 5% है, एंड ITC एलिजिबिलिटी नन है, यानी कि इस पे आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। तो टैक्स पेड बी टू सी एक्सपेंस जो होते हैं, एज आपकी कंपनी का नेम और GSTIN इनवॉइस पे प्रिंट होता ही नहीं है तो ये एलिजिबल भी नहीं होते ITC के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटरिंग RCM अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस। RCM हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि RCM या अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस वो होते हैं जिसमें जो कि या तो अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने इंकर किए होते हैं या फिर जो कंपलसरी RCM या सर्विस इंपोर्ट कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करी तो वो RCM के अंडर हो सकती है, लेकिन आपने किसी लॉयर से कोई सर्विसेज ली हैं या फिर किसी फॉरेन कंपनी से कोई सर्विसेज ली हैं, कुछ एक्सपेंस किए हैं, तो वो भी अंडर RCM फॉल करते हैं।
हालांकि वो लॉयर रजिस्टर्ड होंगे जीएसटी के अंदर, लेकिन वो आरसीएम के अंदर ही ये ट्रांजेक्शन आएगी एंड जो लाइबिलिटी होगी टैक्स पे करने की वो शिफ्ट हो जाएगी लॉयर से आप पे, यानी कि रेसिपियंट ऑफ गुड्स को जो है आरसीएम पे करना होगा। यहाँ पे हम एक जर्नल का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी नेचर हमने लिया है आरसीएम एक्सपेंस, डेबिट कर रहे हैं हम फ्रेट चार्जेस को। फ्रेट चार्जेस को यदि आप मॉडिफाई मोड में देखते हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्स कैटेगरी सर्विसेज 5%, आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज एंड आरसीएम नेचर इज कंपलसरी। तो ये इसका अकाउंट हमने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है कि कंपलसरी आरसीएम के अंडर ये फॉल करेगी। तो यहाँ पे हमने फ्रेट चार्जेस लिए हैं, क्रेडिट किया है पार्टी को जिनसे कि हमने सर्विसेज ली हैं, उस पार्टी को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है एंड सेव बटन प्रेस किया है इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटरिंग एक्सपेंस विद आईटीसी एलिजिबिलिटी नन। कुछ एक एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि आपने रजिस्टर्ड डीलर से ही किए होते हैं, इनवॉइस पे आपकी कंपनी का नेम GSTN भी प्रिंटेड होगा, लेकिन वो एक्सपेंस आईटीसी के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। फॉर एग्जांपल कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, या फिर आपने कोई कार की सर्विसिंग कराई है, ऑफिशियल यूज़ की आपकी कार है, आपको इनवॉइस मिला उस पर आपकी कंपनी का नेम भी है GSTN भी, लेकिन ये एक्सपेंस आईटीसी के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इसको आप किस तरीके से एंटर करेंगे? यहाँ पे हम इसे परचेज वाउचर के थ्रू एंटर कर रहे हैं। हमने वाउचर के हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आईटीसी एलिजिबिलिटी ली नन, आइटम ली कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि हमने कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक सर्विस आइटम बना रखी है। तो इस आइटम को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देख सकते हैं। इसका यूनिट हमने नॉट एप्लीकेबल ले रखा है और उसकी वजह से डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस भी ये इस पे सेट है। ये आइटम जो है इस पे टैक्स कैटेगरी जो है सर्विसेज 18% ही है। तो ये इस आइटम का स्पेसिफिकेशन है। आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने बताई। इसके बाद CGST एंड SGST बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी, लेकिन कौन सी? विद ITC नन। हमने CGST एंड SGST ITC नन बिल सन्ड्रीज बनानी पहले डिस्कस भी करी थी। इन बिल सन्ड्रीज में आप देख सकते हैं अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ गुड इन परचेज यस है, और यहाँ पे अकाउंटिंग इन परचेज में अफेक्ट अकाउंटिंग यस, एडजस्ट इन परचेज अमाउंट यस एंड एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट यस है। तो इस तरीके से ITC नन की जो आपकी बिल सन्ड्रीज है वो क्रिएट होती है। वाउचर को सेव करेंगे, सेव करने पे जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपीयर होगी जिसमें आप ओरिजिनल परचेज बिल नंबर एंड परचेज बिल डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन जीएसटी एक्सपेंस को। नॉन जीएसटी एक्सपेंस हमने पहले भी डिस्कस करे हैं कि वह एक्सपेंस जो जीएसटी परव्यू के अंडर फॉल नहीं करते, लेकिन ये एक्सपेंसेस जो हैं जीएसटी रिपोर्ट्स में अंडर हेड नॉन जीएसटी एक्सपेंस रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि जीएसटी रिपोर्टिंग का ये पार्ट होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक जर्नल का वाउचर एंटर कर रहे हैं। जैसे हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो नॉन जीएसटी कैटेगरी के अंडर फॉल होता है, तो हमने यहाँ पे जीएसटी नेचर लिया है नॉन जीएसटी एक्सपेंस। उसके बाद हमने वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट किया है, अमाउंट बताया है जिस अमाउंट से हम उस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं एंड उसके बाद बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो मेन चीज इसमें है कि जीएसटी नेचर आपको नॉन जीएसटी एक्सपेंस सिलेक्ट करना है। ये जो अकाउंट बना हुआ है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इस अकाउंट में भी जीएसटी टाइप है वो नॉन जीएसटी एक्सपेंस बताया गया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंटरिंग एग्जेम्प्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अंडर सर्टेन नोटिफिकेशन या अंडर सर्टेन कंडीशंस एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से। इसके लिए हमने जीएसटी नेचर सेलेक्ट किया एग्जेम्प्ट एक्सपेंस, डेबिट किया अकाउंट को, जो भी अकाउंट है आपका, जो भी एक्सपेंस है, जैसे हमने यहाँ पे बुक्स एंड पीरियोडिकल्स लिया है एंड उसके बाद कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एंटरिंग कंपोजिशन एक्सपेंस, कि कंपोजिशन डीलर से यदि आपने कुछ परचेजेस करी हैं, कोई एक्सपेंस ऐसा किया है जो कि कंपोजिशन डीलर से आपने इंकर किया है, तो उसकी एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जर्नल वाउचर को ओपन किया, जीएसटी नेचर हमने लिया कंपोजिशन एक्सपेंस, उसके बाद हमने अकाउंट को डेबिट किया, जैसे हमारा ग्रोसरीज का अकाउंट है तो हमने डेबिट किया ग्रोसरीज अकाउंट को एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। तो सिंपल आपको जीएसटी नेचर जो है कंपोजिशन एक्सपेंस लेना है यदि आपने किसी कंपोजिशन डीलर से एक्सपेंसेस इंकर किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटरिंग एक्सपेंस यूजिंग परचेज वाउचर। परचेज वाउचर के थ्रू यदि आपको कोई एक्सपेंस एंटर करना है तो वो आप बिजी में कैसे एंटर कर सकते हैं? यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स का, यानी कि कोई आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करी है, फिक्स्ड एसेट्स पे एक्सपेंस किया है, तो वो कैसे एंटर करें? परचेज वाउचर में वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स आपने स्पेसिफाई करी, परचेज टाइप आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड है। आईटीसी एलिजिबिलिटी में यहाँ हम ले रहे हैं कैपिटल गुड्स सर्विसेज, यानी कि ये जो हम परचेज कर रहे हैं इसमें जितना भी हम टैक्स पे कर रहे हैं वो आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा। एंड किस हेड के अंडर एलिजिबल होगा?
कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। उसके बाद हमने आइटम सेलेक्ट करी जैसे गुड्स पैकेजिंग मशीनरी। इस आइटम मास्टर को हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट हमने बताया हुआ है वो परचेज अकाउंट ना लेके हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट लिया है, यानी कि जिसका ग्रुप फिक्स्ड एसेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी लिया है जिसका कि अकाउंट ग्रुप फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद बिल सन्ड्री से जुड़ी डिटेल्स आप बताएंगे जैसे CGST, SGST। वाउचर को सेव करेंगे, सेव करने पे एक GST रिपोर्टिंग डिटेल्स विंडो अपीयर होगी जिसमें ओरिजिनल परचेज बिल नंबर एंड परचेज बिल डेट आप स्पेसिफाई करेंगे। तो ये डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने थे। हमने तकरीबन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस जो GST के अंडर फॉल करते हैं और GST के अंडर फॉल नहीं भी करते जैसे कि नॉन GST एक्सपेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में एक्सपेंसेस की एंट्री एंटर कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।